देखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका मंत्र है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बरनवाल हुआ, अड़गोड़ा से अशोक नगर से हुआ है। क्या ये टी शर्ट आपने कब बनवाया? ये टी शर्ट चुनाव के लिए नहीं है, टी शर्ट मतलब अपना सेफ्टी के लिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए है। ठीक है, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। रांची रहने वाले? हाँ। देखिए, क्या नाम बताया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो है टी शर्ट पहने हैं, और पीएम मोदी के कार्यक्रम में यहाँ पर आए। क्या मोदी जी को देखने के लिए आए हैं? पहले भी देखे हैं, बिरसा चौक में देखे हैं, फिर एयरपोर्ट में देखे हैं, फिर आपके अड़गोड़ा चौक में। नहीं, कितना लगाव है? बहुत, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जान भी दे सकते हैं मोदी जी के लिए, मतलब उनको देखते हैं ना लगता है तृप्त हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है। 12 बजे से आए हुए हैं, आप कितना बजे आएंगे? हाँ, आज का काम वाम छोड़ दिया? काम सब बंद है आज तो, ऐसे बंद है। हाँ, मोदी जी के प्रति कितना दीवाना है? कि हाँ, 100%। क्या जान भी दे दीजिएगा? एकदम, किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। क्या क्या करते हैं? हम एक छोटा सा व्यापारी हैं, छोटा सा माने अपना धंधा छोड़ दिए होंगे। हाँ, काम छोड़ के आ गए हैं उनके दीवानगी में। हाँ, आज काम छोड़ दिए हैं। क्या कब कब जब जब आते हैं तब तक देखते हैं? हाँ, जब जब दे यहाँ रांची में आते हैं तब तक तो हम तो जाते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर हुआ, लालपुर में। एक बार बदल देना है सरकार, एकदम बदल देना है। किसी भी स्थिति में बीजेपी, किसी भी स्थिति में बीजेपी। कारण इस देश का भविष्य है बीजेपी। हाँ, इस देश का कल्याण अगर कोई करेगा तो इस बार कहाँ हो पाया? 400 इस बार पार नहीं हो पाया, कुछ रह गया, उसमें मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ से बात नहीं है, अफसोस उस बात का है, लेकिन आने वाला दिन में इसका सब भरपाई हो भी जाएगा। अयोध्या की जनता को क्या कहेंगे? अयोध्या को जनता को ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा नॉमिनिटी के अनुसार से काम करना चाहिए था लोगों को, लेकिन खैर, हाँ, जिताना चाहिए था लेकिन नहीं किया, अब उनका विचार है। लेकिन एक जगह से कोई दिक्कत नहीं होता है, पूरा देश में मोदी जी का साथ है, और इसके चलते कुछ भी हो सकता है, मोदी जी का आगे कोई सब फीका पड़ेगा। डबल इंजन, एकदम डबल इंजन, जेएमएम को झारखंड हेमंत सोरेन के कबाड़ के फेंकिए देना है, कल्पना सोरेन का भी फेंक देना है, कोई काम का कहा है तो कुछ है ही नहीं है उसके सामने। हाँ, कुछ नहीं है मोदी जी के सामने, वो तो हाँ, उसको लोग जानता भी नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, इसके चलते उसके बीवी को लोग जानता है। जेल भेज दिया थी ना? जेल नहीं भेज दिया, वो अपना करनी से और कथनी से जेल गया है। मोदी और चाहे बीजेपी को उसको जेल नहीं भेजा है, वो अपना करनी से जेल गया है। क्या नाम है? अरे नाम माही है? माही। किनको देखने आई है? मोदी जी को। हाँ। किनको देखने आई है? मोदी जी को। हम भी पढ़ते हैं, काम करते हैं। जय कान चिकरे। ये कहाँ से? हम आए राजस्थान से। आपने बताओ राजस्थान रोड में? अपना घर है जसपुर में। मोदी जी कैसा नेता? मोदी जी एक नंबर नेता है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। तो देखिए, पीएम मोदी के कार्यक्रम में आने से पहले जो है ये तस्वीरें आप राजधानी रांची की देख रहे हैं, जहां की तमाम जो युवा है वह जो है भाजपा का झंडा लहराते हुए यहां पर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहिएगा, किनको देखने आए हैं? मोदी जी को। क्या करते हैं? हैं, हम करते क्या है? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ, बैंक में है। ना, आज इतवार है, बैंक में है। मोदी जी देखने आए हैं? हाँ, हम यहाँ अलकापुरी डाल्टेगंज से आए हैं। क्या कहिएगा सर, सरकार किसका बनना चाहिए? मोदी जी का बनेगा। हाँ, पूरा का है कि बहुत बढ़िया नेता है, सबसे दबंग नेता है, उनसे उनसे बढ़िया कोई नहीं है अभी तक। बीजेपी यहाँ कौन बनेगा सीएम? किसको बनाना? सीएम यहाँ बाबूलाल मरांडी।
हाँ पक्का बहुत बढ़िया। हेमंत सोरेन का बढ़िया नहीं है, वो सब सब है परिवारवादी नेता है, उसका दूसरा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा परिवार के लोग ही बनेगा उसका, उसका खानदान पूरे मंत्री बनना चाहता है आप पब्लिक को, उसका कोई खानदान में नहीं है। तो गिना चुना एकाध नेता है, पर ऐसा कभी देख ऐसा कभी देखे हैं कि जैसे सपा हो जितना है झामुमो में, चाहे आपको आरजेडी में चाहे कांग्रेस में, सब परिवार परिवारवादी नेता है। इस सब में तीनों का फैमिली में आप देख लीजिए उठा के, बीजेपी का उनका कोई मालिक नहीं है, बीजेपी का कोई मालिक नहीं है। हाँ तो जैसा अमित शाह के लड़का है नहीं उतना तो चलता है, वो परिवारवाद नहीं है, वो नेता नहीं ने मनाया। आप यहाँ एक सरपंच बनता है, मुखिया बनता है, फॉर्चुनर से घूमता है, मोदी जी प्रधानमंत्री पिछले 25 सालों से सत्ता में है, आज उसका भाई का स्थिति देखिए, अब माता का स्थिति कोई नहीं है, बीजेपी की मालिक कोई नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा कोई मालिक नहीं है, कोई परिवारवादी नेता नहीं है इसमें। और इसमें झाबुमो में उसका लड़का बनेगा, फिर उसका बाप बनेगा, उसका नाती बनेगा, आरजेडी में वही है लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, फिर इसके बाद आइए आपको कांग्रेस में उसका सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, पूरा खानदान एक करके उसे बनेंगे। और लेबर सिर्फ पब्लिक को लेबर और जितना छोटा काम होता है वो सब बनाएंगे, बाकी देश का विकास कुछ नहीं किया है अभी तक। हम मोदी जी अभी विदेश में इनका डंका पूरा भारत में बज रहा है, कहीं भी जाइए मोदी जी का हर जगह नाम है आपका, मगर ये सब 15 लाख देंगे, 15 लाख दे दिया ना, 15 लाख सब कोई करता है, 8 लाख ये भी वादा किए थे राहुल गांधी मगर दिया खटाखट खटाखट बोल रहा था, मगर अभी तक 1 रुपया भी नहीं किसी को दिया। और देखिए यहाँ पे जितने भी आदिवासी के जमीन है हड़पा जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे पता है रांची के निवर्तमान जो है डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, वह देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर हनुमान चालीसा आरती जो है की जा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है भव्य स्वागत जो है पीएम मोदी का यहाँ पर कराया जा रहा है, और आप देखिए कि कितनी सारी महिलाएं पुरुष यहाँ पर जो है पहुँची है, और चारों तरफ आप देखिए घंटों इंतजार जो है पीएम मोदी का किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए संजीव विजयवर्गीय जो निवर्तमान में उप महापौर रांची के थे, वह यहाँ पर मौजूद है, दिख रहे होंगे आपको।